आज हम आपको बताएंगे TVS स्पोर्ट की CDI स्टार प्लस में कैसे लगाएं। जी हाँ, आपने सही सुना है, TVS स्पोर्ट की CDI TVS स्टार में कैसे लगाएं। चलिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हमारे पास एक TVS स्टार सिटी गाड़ी आई हुई है, इसमें ये स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए हम इसे प्लग को पहले चेक करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। प्लग को खोल के करंट को चेक करेंगे, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टार्ट हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। प्लग को हम खोल लेते हैं, प्लग को खोलने के बाद फिर हम करंट को चेक करेंगे। प्लग को देखिए मैंने खोल लिया, अब करंट को चेक करेंगे। देखिए इसमें करंट भी नहीं आ रहा है। ठीक, अब हम इसकी CDI चेक करेंगे। CDI कैसे चेक करें ये भी हम आपको बताएंगे, और कौन कौन से तार में करंट आना चाहिए ये भी बताएंगे। चलिए हम CDI को निकाल लेते हैं बाहर। CDI को बाहर निकालने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कौन से तार में करंट आना चाहिए। देखिए ये जो लाल और करिया है, इसमें करंट आना चाहिए। लाल और करिया, इसमें करंट आना चाहिए, इसमें आ रहा है। देखिए इसमें करंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। CDI तक करंट बराबर जा रहा है, इसका मतलब हमारी जो CDI है वो ख़राब है। चलिए अब हम इसमें जो लीड कॉइल आती है TVS स्पोर्ट की, लीड कॉइल प्लस CDI दोनों मिक्स आती हैं, हम वो इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसकी CDI हमारे पास तो नहीं है, TVS स्पोर्ट की है, उसको हम फिट करेंगे। और कैसे करेंगे हम वो भी अभी आपको दिखाते हैं, कौन कौन से तार उसमें लगाने चाहिए वो भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, और भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। देखिए CDI का तार, ये जो ब्लैक और रेड है इसमें एक लगाएंगे, और जो वाइट और ब्लैक है एक इसमें लगाएंगे। देखिए ये जो CDI है, ये आप देखिए, आप चाहे इसे लगा सकते हैं, और चाहे पाँच तार की आती है वो, सॉरी चार तार की आती है वो लगा सकते हैं, और चाहे तीन तार वाली। चलिए हम अभी फ़िलहाल चार तार वाली लगाएंगे, और कैसे लगाते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए हमने फिटिंग कर ली है, और मैंने देखिए सॉकेट को दूसरा लगा रखा है, क्योंकि हमारी वायरिंग काटने न पड़े इसलिए। और देखिए ये जो ब्लैक तार है, मैंने वाइट और प्लस ब्लैक था उसमें लगा दिया, और रेड और ब्लैक था जो हमने रेड वाले में लगा दिया है। ठीक है, और जो पिकअप कॉइल का था वो पिकअप में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गाड़ी को चेक करते हैं, वायरिंग हमारी हो गई है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ही टैपिंग करके कस देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए भाई ध्यान से देखिए, हमने आपको बता रखा है जो ब्लैक वाला तार है, वाइट प्लस ब्लैक, वो हम ब्लैक में लगाएंगे, और जो रेड और प्लस ब्लैक है वो हम रेड में लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, वायरिंग हमारी हो गई है। अब भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी चालू कर लेना, जिससे हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके।